वरोरा बस डिपो में बस की कमी एवं नियमित समय से न आने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वरोरा बस डिपो की बसें समय पर न आने से विद्यार्थियों को बस स्टॉप पर बस के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। वरोरा शहर में विद्यार्थियों को विद्यालय में जाने के लिए बस का ही पर्याय है। इसके पहले भी आशी के छात्राओं ने समय पर बस न आने की वजह से सांसद को इस संबंध में निवेदन दिया था। कुछ दिनों पहले पालक मंत्री ने बड़े पैमाने पर चंद्रपुर जिले को बस उपलब्ध कराई थी, मगर वहीं वर्रा बस स्थानक में बस की कमी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील के तकरीबन 5000 विद्यार्थी रोज वर्रा के कॉन्वेंट विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए आना जाना करते हैं, मगर वर्रा बस डिपो की बसें विद्यार्थियों के लिए कम पड़ रही हैं और जो बसें मौजूद हैं वह समय पर न आने से विद्यार्थियों को रोज शिक्षकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सभी विद्यार्थी 25 से 30 किलोमीटर के अंतर पर से लगभग आते हैं, जिसमें खैरी, माडेड़ी, नागरी, खंबाड़ा, बोथली, अर्जुनी, कोकेवाड़ा, चंदनखेड़ा ऐसे अनेक गाँव का समावेश है और ये सभी विद्यार्थी वर्रा शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें कॉन्वेंट से महाविद्यालय तक के सभी विद्यार्थी समय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, मगर वर्रा बस डिपो का नियोजन सही न होने से विद्यार्थियों को रोज देरी से विद्यालय में पहुंचना पड़ रहा है। और वहीं उन्होंने इस संबंध में वर्रा के हमारे विशेष प्रतिनिधि चेतन लुथरे के सामने अपनी व्यथा व्यक्त की। मैं खैरी वरुण 6 वाजता बस स्टॉप वर येते, 6 वाजता मग 7 वाजता 7:30 वाजता पोहोचते आणि मग 12:30 माझं कॉलेज खत्म होते। मी बस स्टॉप वर येते, एक खैरीच्या बसचा टाइम, खैरी वर्कीचा टाइम 1 वाजताचा टाइम आहे ना सर, ती रोज टाइम 1:30 किंवा 2 लागते, 1 कधी ती लागलीच नाही। आम्हाला रोज घरी जायला 3 वाजते। आढेडी ते आनंदवन अपडाऊन करते, BSc सेकंड इयरला आहे। आम्ही 5 साठी इथे रोज 3 दिवस झाले लाईनीत लागत आहे। काल 8 वाजेपर्यंत तर आम्हाला पास मिळालेला नाही आणि हे लोक यांना म्हटलं तर ही वेगळीच भाषा वापरत आहे। एका मुलीला म्हणाले 7 वाजेपासून इथे लाईनीत लागू शकत नाही, 5 वाजेपासून तुम्हाला लाईनीत लागू शकतच नाही। म्हणजे मी त्यांना डोकं पटोपटू सांगत होती, त्यांनी मला म्हणत होती तू लागू शकत नाही 7 वाजेपासून लाईनीमध्ये। आता 6:21 झाले, आमच्या गावची 8:30 एकही बस नाही आणि बसेस कधीच टायमावर लागत नाही। वही संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि ने वर्रा बस डिपो मैनेजर से इस संबंध में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने इस संबंध में क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। नहीं, पासेस अपन रेगुलर देते, आपका टाइमिंग 8:05 है आणि प्रॉब्लम का झालं, एक आणि 2 तारखेला सुट्टी आल्यामुळे विद्यार्थी संख्या अचानक एकदम वाढलेली आहे, त्यामुळे आता 5 विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे 5 त्याला अडचण येत आहे। तरी आपण शक्यतोवर मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांना 5 देण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आता 3-4 दिवसांमध्ये 5 ची संख्या विरळ होईल आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांना 5 मिळतीलच। किती दिवसात हे पासेस यांना इश्यू होतील असं वाटतं आहे, खास करून मुलींना हा प्रॉब्लेम? ते मुलींना त्या फक्त आता जुनियर कॉलेजच्या मुली आहेत, त्यांना तर पासेस आहेत, बाकी जर सर्वांना फ्री पासेस असल्यामुळे त्यांना काही अडचण नाही। प्रत्येकाला अहिल्याबाई होळकर आणि मानवगाच्या पासेस दिलेले आहेत। 12वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना काही फ्री स्वरूप फी पास असल्यामुळे फक्त 12वीनंतरच्या विद्यार्थ्यांनी आहेत, त्याच विद्यार्थ्यांकरता पासेसचे जे आहे अडचण आहे आणि आपण शक्यतोवर आता आपल्याकडे मानभर कमी असल्यामुळे आपण 1:45 चालवत आहोत, तरी आपण त्याला मॅक्झिमम टाइम त्याला वेळ देऊन त्याला 6 वाजतापर्यंत किंवा 6:30-7 आपण त्याला ठेवू आणि 5 त्याला इश्यू करू। और दूसरी ओर विद्यार्थियों के देरी से घर जाने पर उन्हें पालकों के भी तमाम तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अतिशीघ्र बस की व्यवस्था करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। सीडी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि चेतन लुथरे के साथ राजन मर्दानी की रिपोर्ट।